तो ये देखिए दोस्तों, इजीली जाली जो है हाथ में आ गई है और काफी अच्छे तरीके से साफ ब्लैक कलर का जो ऊपर से कवर दिया गया है उसको जो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी दोस्त बढ़िया होंगे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सिम्फनी जंबो 70 कूलर की सफाई। और इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा और देखने को मिलेगा किस तरीके से हम अपने जो जंबो कूलर है उसमें आप ये देख सकते हैं जो डस्ट जमी हुई है उन्हें हम किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं और कैसे इसके पैड अगर आप चेंज करना चाह रहे हो तो खुद आप इसके पैड किस तरीके से चेंज कर सकते हैं और किस तरीके से ये जो कूलर है ये इसे आप ओपन कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कोई भी चीज स्किप ना होने पाए ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। तो उसके लिए सबसे पहले ऊपर जो आपको स्क्रूज दिख रहे हैं सिम्फनी जंबो के बैक साइड में टॉप में दो स्क्रूज दिए गए हैं, तो इन स्क्रूज को जो है आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप इन्हें खोल सकते हैं और उन्हें खोलने के बाद जो है आगे का प्रोसेस इसमें जारी रखेंगे। तो आपको आपने दोस्तों ये देख तो लिया होगा कि इसकी जो जाली है वो कितनी बुरी तरीके से चौक हो चुकी है। एक्चुअली 2 साल से इसकी जाली मैंने जो है चेंज नहीं करी थी, तो इस बार इसके जो एक पैड्स है इनको मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं इन्हें क्लीन करने की कोशिश करूं, यदि ये क्लीन हो सकते हैं तो ठीक, नहीं तो इनको मैं रिप्लेस करूंगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने कहा क्यों ना लगे हाथों तो इसकी वीडियो बना दी जाए। और आप सब लोगों के कई बार क्वेरी आई थी कि ये ओपन किस तरीके से हो रहा है, हमें प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैंने आज इसको जो है पूरी तरीके से डिसमेंटल करने की कोशिश करी है इस वीडियो के माध्यम से। तो आप देखिए मैंने दोनों ही स्क्रूज जो है इसके ओपन कर लिए हैं, स्क्रूज निकाल लिए हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं पीछे से इस तरीके से कुछ ये हट जाता है और हटने के बाद आप ये देखेंगे इन पिलर्स पे जो है इसके स्क्रूज माउंट हुए थे, तो ये निकलने के बाद कुछ इस तरीके से आप देखेंगे साइड में जो है ये कुछ ग्रूव्स बने हुए हैं जिसमें कि सिंगल सेंटर पे एक लॉक दिया गया है आपके तीनों डेंटिंग पे, जो तीनों जालियां हैं उन पे तीनों में जो है एक एक लॉक दिया हुआ है सेंटर पे, उसको बड़ी ही सावधानी से जो है आप खींच करके निकाल सकते हैं। तो देखिए आप बड़ी आसानी से निकल जा रहा है, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हल्की सी मेहनत करने के बाद जो है आप देखेंगे वो पिलर से जो है वो डिटैच हो जाएगा और डिटैच होने के बाद जो है वो इजीली उसमें से निकल जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, इजीली जाली जो है हाथ में आ गई है और ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से जो पैडिंग करी गई है कंपनी द्वारा, क्योंकि ब्रांड का कूलर है और काफ़ी एक्सपेंसिव कूलर है तो जाहिर सी बात है काफ़ी अच्छी तरीके से उसकी पैडिंग करी गई है कंपनी द्वारा। तो आप ये देख सकते हैं मैंने दूसरी साइड्स के जो और भी वो दिए हुए हैं इसमें ग्रिल्स दिए हैं, जाली दी हैं, उनको भी जो है मैं उसी तरीके से निकाल रहा हूँ। तो इसमें 3 साइड से जो है वेंट है जिसमें आपका सक्शन होती है एयर, और तीनों साइड जो है बहुत ही मोटी अच्छी कुशनिंग करी गई है, पैडिंग जो इसमें दी गई है, जाल वगैरह जो घास लगाया जाता है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में इसमें यूज़ किया गया है। यदि आप अगर लोकल कोई मार्केट से देखते हैं तो उसमें आपको इतनी अच्छी तरीके से जो है जाल नहीं लगाया हुआ मिलता है, लेकिन यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से जो है यहाँ पे जो है जाल को प्लेस किया गया है, इसके अंदर जो ये घास है ये काफ़ी अच्छी तरीके से प्लेसमेंट की गई है और बहुत ही अच्छी तरीके से उसे लगाया भी गया है। और दूसरा आप अंदर देख सकते हैं कि कितना डस्ट और जो पिछले साल का जो इसमें पानी रह गया था तो उसमें जो है काफ़ी हद तक गंदगी इसमें रह गई है और काफ़ी जगह पर डस्ट वगैरह भी है। तो पूरी तरीके से हमने इसे ओपन कर लिया है और जो है हम इसे अच्छी तरीके से धो करके क्लीन कर लेंगे, और क्लीन करने के बाद जो है इनकी जाली वगैरह साफ करने के बाद जो है दोबारा से फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है इसकी सफाई हुई है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसको पूरी तरीके से क्लीन कर लिया है, करते करते शाम को मैंने ऑलरेडी काम स्टार्ट किया था, नाइट हो चुकी है, अब मैं जो है बल्ब की रोशनी में ही आगे की वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो क्योंकि अगर मैं सोच रहा था सुबह करूँगा लेकिन सुबह फिर और टाइम डिले हो जाता, तो इसलिए मैंने कहा क्यों ना इसको नाइट में ही जो है पूरा फिनिश कर लिया जाए। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मैंने अंदर से पूरी तरीके से क्लीन कर लिया है, इवन इसके आगे के जो ये वेंट है इनको भी मैंने जो इसमें डस्ट वगैरह जमी हुई थी वो भी क्लीन कर लिया है, बहुत ही आसानी से जो है ये क्लीन हो जाता है, ज़्यादा आपको इसमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से साफ हुआ है और बिल्कुल नए जैसा चमक रहा है, आप बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि नया, आप अगर देख पा रहे हो तो बिल्कुल नया जैसा आपको फील करा रहा होगा इसके लुक्स में कि बिल्कुल जो है ये न्यू लग रहा है। और साथ ही साथ जो इसके साइड में जो जाली लगी हुई थी वो भी हमने अलग कर ली है और ये देखिए पूरी तरीके से निकाल के साफ कर ली है हमने, तो ये देखिए ये भी अच्छे तरीके से चमकने लगा है अब, और ये भी ऐसा लग रहा है बिल्कुल नए जैसा, बिल्कुल क्लीनिंग जो है इसकी बिल्कुल न्यू जैसी लग रही है। और ये साइड में जो है इसमें हल्के हल्के से जो है जिसे कह सकते हो आपकी कील जैसी निकली हुई है, वो सिर्फ आपकी पैडिंग के लिए है, जो आपका घास है वो इसमें रुकी रहे वो खिसके नहीं, उस चीज़ के लिए ये पैडिंग दी गई है जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये इसके आप पैड देख सकते हैं
ये आपको मैं अपोजिट साइड से दिखाता हूँ। इस साइड से देखिए आप, काफी गंदी हो रखी थी, जो कि मैंने डस्ट काफी हद तक क्लीन कर दी है इसकी, जो कि आप इसमें डस्ट काफी कम देखने को मिल रही है। अब की बार मैंने कुछ सोचा ये है कि क्यों ना इसके डस्ट पैड जो है, इन पैड्स को जो है हम पलट के लगा दें, क्योंकि अभी पूरी तरीके से गंदे नहीं हुए हैं, तो अभी ये इस साल मेरे ख्याल से और काम में आ सकते हैं, तो मैं इन्हें पलट के लगा रहा हूँ। उसके लिए मैं आपको पूरा प्रोसेस ये दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। आपने ये डस्ट पैड लिया और इसको जो है मैंने इसको पलट के लगा दिया है, इसके ऊपर बिछा दिया है उसके जाल के ऊपर, और जो है इसके जो दूसरा जो प्लास्टिक दिया गया है ब्लैक कलर का, जो ऊपर से कवर दिया गया है, उसको जो है हम इसमें फंसा देंगे। जो इसके साइड में फास्टनर्स दिए हुए हैं उन्हें भी जो है आप इजीली इसमें जो है फास्टन कर सकते हैं। मैं समझता हूँ इसमें आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। इस प्रोसेस को हम थोड़ा फटाफट जल्दी जल्दी निपटाते हैं, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी नहीं तो। तो इसको जो है मैंने ध्यान से जो है धीरे धीरे जो है ने क्लम्प कर दिया है साइड बाई साइड में। तो उसको क्लम्प करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि जो ये क्लम्पिंग हो रही है, और इसकी जो प्लास्टिक है, कई लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि बहुत हल्की है और लचकीली है काफ़ी ज़्यादा। तो मेरा कहना यह है दोस्तों कि काफ़ी इसकी जो प्लास्टिक है, जो क्वालिटी है, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है। तो इसमें कहीं भी अगर कूलर मैंने देखे हैं कई ऐसे जो 2-3 साल रखे रखे, अगर हम उनको थोड़ा सा भी खींचतान करने की कोशिश करते हैं तो उसका प्लास्टिक कहीं ना कहीं टूट जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है प्लास्टिक इसका मुड़ रहा है, लचक रहा है, लेकिन टूट नहीं रहा है। ये प्लास्टिक की क्वालिटी की बात है कि इतने समय बाद भी जो है प्लास्टिक बहुत अच्छे तरीके से जो है अपनी जगह पे बना हुआ है, और डलनेस भी नहीं आई है कलर में। एक तो क्योंकि धूप में भी नहीं रहता है कूलर ये वाला ज़्यादा, तो जहाँ पे कूलर अगर थोड़ा धूप के संपर्क में आता तो हो सकता है वहाँ पे डलनेस आती हो, बट मैंने ऐसा नहीं देखा है इसमें। थोड़ा बहुत तो धूप इसमें भी आई है, लेकिन इसमें कलर में कोई चेंजेस मुझे देखने को नहीं मिले हैं। यानी कि जो प्लास्टिक है मैं कह सकता हूँ कि वर्जिन प्लास्टिक है इसका। और दूसरा जो है आप ये देख सकते हैं, मैंने जो इसको जाली है पूरी तरह सेट कर ली है, अच्छे से कुशन दबा दिया, और बीच में जो एक स्क्रू दिया था वो भी मैंने यहाँ पे टाइट कर लिया है। स्क्रू को कसने के बाद अब आप देखेंगे कि इसका लुक जो है किस तरीके से आता है। तो आप ये देखिए बिल्कुल नए जैसा दोबारा से, और काफ़ी अच्छे मोटी अभी जो इसकी फॉर्म है वो है। और ये लॉक्स देख लीजिए आप, मैंने लॉक्स बिल्कुल साइड से लगा दिए हैं, और बीच में जो सेंटर में स्क्रू दिया था वो भी लगा दिया है। तो आप ये देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से जो है ये लग चुका है, और फिनिशिंग भी काफ़ी बेटर आई है, और बाहर की साइड से भी देखने में बिल्कुल न्यू जैसा फील दे रहा है, कि अभी ये नई जाली ही इसमें लगी हो जैसे, वैसा ही फील दे रहा है। तो आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों जो है हमने और भी जालियाँ फिट कर ली हैं। सारी जाली फिट करने के बाद जो है अब हम इसे दोबारा से जो है कूलर के ऊपर फिक्स कर रहे हैं, और कूलर के ऊपर फिक्स करने का तरीका भी आप देख सकते हैं। साइड बाय साइड आपके तीनों जाली एक जैसी हैं, तो उन्हें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि कहीं दूसरी जगह पे प्लेस हो जाएगी, उस चीज़ से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसे भी प्लेस कर सकते हैं। तो ये देखिए आप बीच में सेंटर में सिर्फ एक जो क्लम्प दिया है उसको आपको बड़ी सावधानी से प्लेस करना होगा अपनी जगह पे, बाकी आप उसको जैसे ही प्लेस करेंगे और उसको लॉक करने के लिए आप एक बार पहले आप तीनों जो ग्रिल्स हैं उन्हें आप असेंबल कर लीजिए। उसके बाद जो है आप उसको जो है ऊपर से जो है प्रेशर कीजिएगा नीचे की तरफ को, ताकि बहुत इजी से हो जाए। तो ये थोड़ा सा सावधानी का पार्ट है, आप देख सकते हैं कि जो है बड़ी सावधानी से उसे प्लेस करना जरूरी है, क्योंकि अगर नीचे से वो सही से बैठा नहीं तो कहीं ना कहीं जो है वो अपने जो उसके ग्रूव्स हैं उससे आउट हो जाएगा, और वो पानी जो है वो बाहर की तरफ फेंकना शुरू कर देगा। तो ये चीज़ की आपको दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए आपको जो है इसका जो माउंट करना है, प्लेस करना है, वो बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है। बस इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए आप यहाँ पे। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से जो है इसको ये प्लेस किया है, और ये धीरे धीरे एक एक करके जो है आप प्लेस कर सकते हैं इसमें। जैसे कि मैंने फर्स्ट पीस जो है इसका आप ये देख सकते हैं कि प्लेस कर लिया है, इसी तरीके से जो है हम इसके जो दूसरे पीस हैं उनको भी इसमें प्लेस कर लेंगे। तो दोस्तों इसे प्लेस करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, और सफाई वफाई आपने देख ली है। मैं समझता हूँ आप बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये जो है प्लेसमेंट हो रही है इनकी, और किस तरीके से क्लीनिंग हो रही है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों, तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और जितने भी लोग नए व्यूअर्स जो आज इस चैनल पे पहली बार आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इस तरीके की ट्रैक रिलेटेड वीडियोस के लिए दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको इंस्टेंट मिलती रहें। तो ये देखिए दोस्तों अब ये जो है सेकेंड साइड भी जो है इसकी प्लेस हो गई है, और ये भी बहुत अच्छे तरीके से मैं समझता हूँ लग चुकी है। अब बची इसकी तीसरी साइड जो कि लास्ट साइड है बैक साइड की, उसको भी जो है मैं इसमें प्लेस कर देता हूँ। तो अब आप ये देख सकते हैं कि यह भी जो है इसमें प्लेस हो गया है, तो इसको भी मैं इसमें प्लेस कर रहा हूँ। थोड़ा सा आउटसाइड की नॉइज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी मैं समझता हूँ, क्योंकि थोड़ा रोड में चहल पहल है अभी, तो इस वजह से जो है नॉइज़ भी आ रही है। तो आप ये देख सकते हैं ये तीसरी साइड भी मैंने इसमें प्लेस कर दी है, और बहुत ही ईजिली ये प्लेस हो गया है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई है। थोड़ा सा बस एक बीच वाला जो लॉक है उसे आपको प्लेसमेंट करनी होगी, और उसे प्लेसमेंट करने के बाद आप
देख पाएंगे कि ये बहुत अच्छे तरीके से जो है फिटिंग आ गई है इसकी। अब जो ये कूलर फील दे रहा है वो बिल्कुल न्यू जैसा फील देगा। आपको मैं एक बार इसका ओवरव्यू दिखाता हूँ। जब सारी फिटिंग हो गई है, उसके बाद जब मैंने सारी फिटिंग कर ली है, उसके बाद अब आप इसका एक बार ओवरव्यू देखिए तरीके से आपको जो ये कूलर है वो दिखाई देता है, वो चीज़ अब आप इसमें देखेंगे कि किस तरीके से ये आपको दिखाई दे रहा है। मैं समझता हूँ बहुत ही बेहतर लग रहा है। एक बार इसे पेच कस लेते हैं हम इसके, और उसके बाद फिर जो है हम देखेंगे। तो दोस्तों मेहनत काफ़ी लगी है, हालांकि मेरा काम हो गया है। 2 साल से जो ये कूलर था काफ़ी गंदा हो चुका था। लास्ट ईयर भी मैंने एक इसमें वीडियो बनाई थी, कई लोगों का कहना था कि हमें प्रॉपर ढंग से समझ में नहीं आया है। तो आशा करता हूँ आज की इस वीडियो में जो है आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप इस कूलर को खोल सकते हैं और किस तरीके से इसको दोबारा से जो है आप इसमें फिट कर सकते हैं, इसकी जालियां वगैरह। तो ये आप देख सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पूरी तरह समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।